कारवुड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है गाइज। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है जून 2022 में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में। जी हाँ गाइज, फाइनली सभी कार कंपनियों ने जून 2022 की अपनी सेल्स फिगर आउट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस कार कंपनी ने किया है टॉप और कौन सी रही है जून 2022 में फ्लॉप। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं 10th पोजीशन से। जी हाँ गाइज, 10वें नंबर पर रही है मॉरिस गैराजेस की MG मोटर्स, जिसके जून 2022 की अगर हम बात करें तो कुल 4,503 यूनिट सेल हुए हैं। अगर हम इसको पिछले महीने से कंपेयर करें तो मई 2022 में इसके 4,008 यूनिट सेल हुए थे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जून 2021 के महीने के मुकाबले में अगर हम देखें तो MG मोटर्स को लगभग 51% का फायदा हुआ है। जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट है उस हिसाब से अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे गाइस। इसमें आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइस अब हम बात करते हैं 9th पोजीशन की। तो यहां पर रही है स्कोडा, जिसके जून 2022 में कुल 6,023 यूनिट सेल हुए हैं गाइस। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो मई 2022 में स्कोडा ने 4,604 यूनिट सेल किए। तो यहां पे इसको पिछले महीने के मुकाबले में भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है गाइस। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो जून 2021 के मुकाबले में स्कोडा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है गाइस। इसको लगभग 720% का फायदा हुआ है, यानी कि काफी जबरदस्त उछाल इसके जो है सेल्स फिगर में देखने को मिली है गाइस। ये इसका जो सेल्स फिगर है गाइस, इसमें कहीं ना कहीं स्कोडा कुशैक का काफी ज्यादा योगदान रहा है, जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश है और साथ ही साथ उसकी प्राइस भी जो है वो भी काफी कॉम्पिटिटिव रखी गई है। साथ ही साथ इसकी स्कोडा की स्लाविया जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसके बाद स्कोडा को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं आगे फ्यूचर में। तो गाइस अब हम बात करते हैं 8th पोजीशन की। तो यहाँ पर रही है होंडा। तो होंडा के जून 2022 की अगर हम बात करें तो कुल 7,834 यूनिट सेल हुए थे। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो मई 2022 में होंडा के कुल 8,188 यूनिट सेल हुए थे, जो कि इस महीने के मुकाबले में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा थे। और पिछले महीने की अगर हम बात करें तो ये 7th पोजीशन पे थी गाइस, इस महीने ये खिसक के 8th पोजीशन पे आ गई, तो कहीं ना कहीं इसको नुकसान हुआ है। अब हम बात करते हैं 7th पोजीशन की। तो यहाँ पर रही है रेनो। रेनॉल्ट ने जून 2022 में कुल 9,317 यूनिट सेल किए हैं गाइस, जो कि पिछले महीने से अगर हम इसको कंपेयर करें तो काफी बड़ा आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि मई 2022 में रेनो के कुल 5,010 यूनिट सेल हुए थे। तो इस महीने इसको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। अगर ईयर टू ईयर की ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल इसको लगभग 50% का फायदा हुआ है गाइस, जो कि इसके लिए काफी अच्छी खबर है। हाल ही में आपने देखा होगा रेनो के कोई ऐसा नया प्रोडक्ट तो आने वाला है नहीं, लेकिन इसकी जो रेनो की काइगर है और ट्राइबर है, साथ ही साथ इसके क्विड का फेसलिफ्ट जो लॉन्च हुआ है, शायद उसकी वजह से कुछ इसको जून में फायदा मिला है गाइस। अब हम बात करते हैं 6th नंबर की। 6th पोजीशन पे रही है टोयोटा, जिसकी आपको पता ही है फॉर्च्यूनर के नाम पे जानी जाती है टोयोटा इंडिया में। तो जून 2022 में टोयोटा ने कुल 16,512 यूनिट सेल किए हैं। अगर पिछले महीने से इसको कंपेयर करें तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा है, क्योंकि मई 2022 में इसके कुल 10,216 यूनिट सेल हुए थे गाइस। अभी आपको पता ही है टोयोटा के पास नए प्रोडक्ट के नाम पे मारुति सुजुकी की कार को ही बस अपना टैग देने वाला काम बचा हुआ है, बाकी ये अपने नए प्रोडक्ट कब लेके आता है ये अभी कुछ पता नहीं है गाइस। तो अब हम बात करते हैं 5th पोजीशन की। तो 5वें नंबर पे रही है किया मोटर्स, जिसके 24,224 यूनिट सेल हुए हैं जून 2022 के महीने में। अगर हम पिछले महीने से इसको कंपेयर करें तो ये आंकड़ा इसके लिए भी काफी अच्छा है गाइस। मई 2022 में किया मोटर्स के कुल 18,718 यूनिट सेल हुए थे, जो कि इस महीने के मुकाबले में काफी कम है गाइस। अगर हम इसकी भी सेल्स फिगर की बात करें ईयर टू ईयर ग्रोथ की, तो पिछले साल के मुकाबले में किया मोटर्स को लगभग 60% का फायदा हुआ है गाइस। अब हम बात करते हैं 4th नंबर की। तो 4th पोजीशन पर रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ गाइस, एक इंडियन ब्रांड्स है, इसका जलवा जो है बरकरार है काफी समय से। अब हम बात करते हैं जून 2022 में बिकने वाले सेल्स फिगर की। तो जून 2022 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के कुल 26,880 यूनिट सेल हुए थे। अगर हम पिछले महीने मई की बात करें तो मई 2022 में भी लगभग इसके इतने ही यूनिट सेल हुए हैं, इसको ज्यादा फायदा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है गाइस। मई 2022 में इसके 26,650 यूनिट सेल हुए थे गाइस। अगर हम इसकी बात करें आने वाले फ्यूचर में, इसकी सेल्स और ज्यादा बढ़ने वाली है गाइस, क्योंकि स्कॉर्पियो एन फाइनली लॉन्च हो गई है और एक दो दिन के अंदर में इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और ज्यादा भौकाल मचाने वाली है। अगर हम बात करें ईयर टू ईयर ग्रोथ की, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल महिंद्रा को भी लगभग 60% का, यानी कि 60% का फायदा हुआ है गाइस। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर की। 3rd पोजीशन पर रही है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले महीने 2nd पोजीशन पे थी, इस महीने फिसल के 3rd पोजीशन पे आ गई है। टाटा मोटर्स और ह्युंडई का काफी ज्यादा आपस में कंपटीशन चला हुआ है गाइस, दूसरे और तीसरे पोजीशन के लिए। इस महीने ये 3rd नंबर पे खिसक के आ गई है गाइस। अगर जून 2022 की बात करें तो टाटा मोटर्स ने कुल
39,200 यूनिट सेल किए हैं। अगर उससे पिछले महीने से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है गाइज। पिछले महीने मई 2022 में टाटा मोटर्स के कुल 43,340 यूनिट सेल हुए थे। पिछले महीने से अगर हम इसे कंपेयर करें तो पिछले महीने के मुकाबले में टाटा मोटर्स ने जून 2022 में तो अच्छा प्रदर्शन किया है, 2-3,000 एक्स्ट्रा ही यूनिट सेल किए हैं गाइज। अगर हम ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो जून 2021 के हिसाब से अभी की अगर हम बात करें तो लगभग टाटा मोटर्स को 87% का फायदा हुआ है गाइज। टाटा मोटर्स ही एकमात्र ऐसी कार कंपनी है जिसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रही है गाइज। काफी अच्छा प्रदर्शन इसका देखने को मिलता है हर महीने में अगर हम बात करें तो। अब हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, यानी कि दूसरे नंबर की, तो यहाँ पर रही है ह्यूंडई गाइज। अगर हम जून 2022 की बात करें तो ह्यूंडई ने कुल 49,001 यूनिट सेल किए। जी हाँ गाइज, 49,001 यूनिट सोल हुई है जून 2022 के महीने में ह्यूंडई की, जो की काफी ज्यादा बड़ा फिगर है गाइज। मई 2022 में ह्यूंडई ने कुल 42,293 यूनिट सेल किए थे इंडियन कार मार्केट में, जो की इस महीने के मुकाबले में काफी ज्यादा कम थे। और इस महीने इसने टाटा मोटर्स को फिर से पीछे धकेलते हुए उसकी असली पोजीशन पे पहुंचा दिया है, और अपनी असली पोजीशन पे ह्यूंडई मोटर्स आ गई है, जो कि इसकी दूसरी पोजीशन है गाइस। अगर हम ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो इसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा तो नहीं हुई है बाकी कार कंपनियों से, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव में चल रही है गाइस, जो कि है 21%, यानी कि 21% का इसको ईयर टू ईयर ग्रोथ का फायदा हुआ है गाइस। अगले आने वाले 1-2 महीने में इसकी सेल्स ग्रोथ और ज्यादा बढ़ सकती है गाइस, क्योंकि ह्यूंडई की वेन्यू का फेसलिफ्ट जो है वो लॉन्च हो गया है और इसको काफी ज्यादा एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया है। साथ ही साथ इसमें काफी ढेर सारे बदलाव किए गए हैं गाइस, जो कि मेरे को लगता है इंडियन कस्टमर को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है फ्यूचर में। तो आशा करते हैं कि काफी अच्छी इसकी सेल्स फिगर होने वाली है अगले 1-2 महीने के अंदर में। तो गाइस अब हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की, यानी कि पहले नंबर की। तो यहाँ पे एक ही कार कंपनी का राज होता आया है गाइस हमेशा से, जो कि है मारुति सुजुकी। इंडियन कार कंपनी में इसी का दबदबा चलता है और चलता आ रहा है। अगर हम बात करें जून 2022 की तो मारुति सुजुकी के कुल 122,685 यूनिट सेल हुए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, कई कार कंपनियां तो पूरे साल भर में इतने यूनिट नहीं सेल कर पाती है जितने मारुति सुजुकी एक महीने के अंदर में कर देती है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो मई 2022 में मारुति सुजुकी के कुल 124,474 यूनिट सेल हुए थे, तो पिछले महीने के मुकाबले में कहीं ना कहीं मारुति को नुकसान हुआ है गाइस। अगर हम इसके ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स में, इसको लगभग 1.3% का नुकसान हुआ है गाइस, जो कि इसके लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि मारुति सुजुकी जो है इंडिया में काफी समय से चली आ रही है और काफी समय से इसका जो है मार्केट बना हुआ है गाइस। अब कहीं ना कहीं इसका मार्केट जो है इंडियन ब्रांड्स टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने बिगाड़ दिया है। तो गाइस ये थी जून 2022 में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स। तो गाइस इसी तरीके से जैसे ही टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट आती है तो वो भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में काफी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल कार मूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ यार अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें। टिल देन कीप यू एंड योर फैमिली सेफ। जय हिंद, टाटा बाय।